क्या और कैसे नजर आ रहे हैं। शुरुआत सतीश जी आपसे करने वाली हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महीना आपके सामने, क्या आने वाले कुछ दिनों में आपको आपको कुछ स्ट्रॉन्ग और कड़े फैसले जो कि मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में भी लिए, दूसरे में भी लिए, तीसरे में दिख रहे हैं लिए जाते हुए? कहते तो हैं मोदी जी की कमजोर ना समझें 240 के बावजूद, लेकिन उनकी सरकार दो एंड पे टिकी है, उनको दो राजनीतिक बांह मिल गया है। तो वो देखना होगा 23 तारीख को बजट में क्या आता है। अब तक मुझे लगता है कि बहुत पटाखे तो नहीं फूटे, एक दिन संसद में हुआ और अभी तक सरकार ने कोई बड़ा फैसला एक महीने में नहीं किया है, तो मैं बजट का इंतजार कर रहा हूँ। बात यह है कि थोड़ा सा ये जो परिवर्तन आया है वो देखने को आ रहा है कि लगता है ये कौन सा ये तूफान के पहले की शांति है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि साहसिक कुछ कड़े फैसले होंगे, और मेरी उम्मीद भी जैसे सुनिए ना, मेरी व्यक्तिगत रूप से उम्मीद है कि बजट में युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, ऐसे ऐसी चीजें को लेकर थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा पहले की नीतियों में, क्योंकि एक बधावन पोर्ट से ही सारा कुछ नहीं हो जाएगा। तो वो बदलाव जो है जिसका असर भी चुनावों पर दिखा है, मैं समझता हूँ उसको देखना चाहूंगा। ओके, दो और चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर शरद प्रधान जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं और सिफोलॉजिस्ट है संजय कुमार भी आपको दिखाई दे रहे हैं।